अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फॉर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स में। मैं आपको मटर जो है वो छीलने का तरीका बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, जिससे जो है कि हम 5 मिनट में जो हैं वो हम 1 किलो या 2 किलो मटर जो हैं वो आराम से जो हैं वो हम अपने निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए मटर छीलने का लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं मटर जो है वो बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मुझे वो छीलने का बहुत मसला होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है छीलने में। तो अब जो है मैं जो आपको तरीका बताऊंगी उससे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप मिनटों में जो है वो इतने ज़्यादा मटर जो हैं वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सीज़न के एंड पे जो होता है कुछ लोग मटर ज़्यादा सारे निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं उसे, तो वो निकालने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट में जो है वो अपने मटर बहुत सारे जो हैं वो निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पे, और वीडियो को शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो जी, मैंने अंदाजे से जो है वो मटर के हिसाब से जो है मैंने पानी ले लिया है, उसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें कोई चीज़ भी मैंने नहीं शामिल की, कोई नमक, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं इसमें गया। सिंपल जो है मैंने पानी जो है बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब ये जो मटर हैं, मटर मैंने किलो लिए थे उसके हिसाब से मैंने बर्तन और पानी ले लिया। अब ये जो किलो मटर हैं, इस गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में मैं ये मटर शामिल कर दूंगी ऐसे, और जो है इसे मैं ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस पानी में रखूंगी। 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपने तो 2 से 3 मिनट के बाद जो है ये मैं हटाऊंगी और इन मटरों की जगह जो है वो चेंज कर दूंगी, जो नीचे थे उन्हें ऊपर कर दूंगी और ऊपर वालों को नीचे कर दूंगी। तो जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब मैं इसे एक टोकरी में जो है मैं छान लूँगी, और जैसे जो ठंडा पानी है जैसे कि टूटी में आता है जो पानी, उससे जो है मैं इसे अच्छे तरीके से मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो जी, ये देखें, ये जो मटर हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे हैं, बल्कि 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ, इससे भी कम टाइम लगा है। और ये मैंने सारे के सारे मटर जो हैं वो मैंने इजीली जो है मैंने निकाल लिए। अब आपको अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो मैं आपको बताऊँ कि आपको इसे दोबारा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने आपने बॉयल कर लिए हैं 3 मिनट वो काफ़ी है, उतना टाइम इसे अब मज़ीद जो है वो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है मटर निकालने का। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मैं बहुत जल्द एक नई शॉर्ट वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।